नमस्कार, आज हम उपस्थित भेल छी सिराज क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार शिव यादव से बातचीत करब और ये बातचीत करब चुनावी छलफल और चुनावी बहस पर। ते दुआरे अखन चुनावी माहौल छै, चुनावी माहौल में उम्मीदवार और के जनता के घर घर जाके अपन एजेंडा सुनाबे के बात रहे छै। ते में शिव यादव जी अपने अखन का समय में अति अमूल्य समय देलो, ते के लेल अपने के बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हम ये प्रश्न करे रहे, अहाँ तो युवा देखा छी, अहाँ के मत किया देते जनता? हमरा मत अ दुआरे देते कि अ देश में अ क्षेत्र में विभिन्न ठाव में जनता सब बहुत दिन से मत गिरवे दिले, लेकिन जनता के जे अपेक्षा छले, जनता के जे सपना छले, ओ कतौ ने कतौ धोखा खेलके ओइसे ए जनप्रतिनिधि सबसे। तो आब जनता की सोच रहल है जे पटक पटक हमरा ठक कर लगाएल, हमरा धोखा द कर जाइए, हमरा से ठगैए, झूठ के घोषणा पत्र ल कर ठग पत्र ल कर आबि कर हमरा घर घर से जे ठक कर जाइए, वही ठग सबके आब हम वोट नहीं देवे। एक नया उम्मीदवार के, एक योग्य उम्मीदवार के आ युवा उम्मीदवार के जे मत देवे तो हमरा सबके एक जे सपना है देश विकास के वो पूरा हेतु ते दुआरे अहाँ पर विश्वास क्या करते जनता? अहूँ छे एने नेता और आवे छे भाषण अही जगह मिटकर दे, पछाड़ू चुनाव जीत के जाए छे, तो वह लीला एक युवा पर एतक जनता कोना के पतेते की एजेंडा ल के आयल छे अहाँ? सबसे पहले तो हमरा पर युवा या अका मतदाता केना विश्वास करते से प्रश्न अहाँ के भाव छल ग। तो आई अ निर्वाचन क्षेत्र 2 में जे प्रतिनिधि सभा के जे उम्मीदवार सबके जे चेहरा जे देखबे तो उ सब पटक पटक अ से जीत कर गया। कोई 10 वर्ष से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व कर रहल है, कोई 15 वर्ष से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व कर रहल है, कोई पटक पटक मंत्री भेल है, कोई 3 पटक मंत्री भेल है। तो कतौ ने कतौ ओकरा सबसे जनता हरास खा गेल है, ओकरा सब कोनो विश्वास करे के आधार नहीं है। नहीं जीतल रहते, नहीं मंत्री भेल रहते तो एक विश्वास करे के आधार रहते। आ आई अ देश में जे युवा सब जे क के जे देखा रहल है काम, जना उदाहरण के लागि काठमांडू लेबे, धारान लेबे, आई वही का काठमांडू के जनता एक युवा पर जे विश्वास नहीं केने रहते तो आई काठमांडू परिवर्तन नहीं भ रहल होय के दिशा में नहीं रहते। वह पुराना अनुहार और के जे मत देने रहते, अपन मत आ मन नहीं बदलने रहते तो आई काठमांडू भी वह दिशा में रहते जे ऐसे पहले छले के वर्ष लगभग 50 वर्ष से। तहिना यदि आई अका युवा क्षेत्र नंबर 2 के युवा पर ओ जका जनता जे विश्वास करे तो युवा सब क के देखा रहल है, बहुत जगह संभव है, से विश्वास क के हमरा पर विश्वास करते। काठमांडू के जनता जका एतक जनता नहीं भसे, क्या कि दारू लके, दारू पी के मे एक नाता गोता जोड़ के, जातीयता जोड़ के वोट दे, काठमांडू के जनता जका कोना के सोचे? सबसे पहले तो अहाँ के हम ई चीज कहले चाहब कि जनता सब तर के ओतबे बुझे है जते काठमांडू के बुझे है, कैला तो काठमांडू में भी गाँवे के जनता है। काठमांडू में कोनो अमेरिका से नहीं आले जनता, काठमांडू में कोनो ऑस्ट्रेलिया के नहीं आले जनता, मात्र अयका जनता सबके जे अयका ठिकदार सब जे ठिक्का चलबे है वो ठिक्का सबसे पहले तोड़ पड़ते। तो वो ठिक्कादार सबके ठिक्का तोड़े ला हम सब आयल छी कि तू ठिकदार नहीं छी, अयका जनता मालिक है, अयका जनता के प्रत्यक्ष हम सब भेटबे आ अपन एजेंडा सुनेबे, अपन विजन देखेबे, काठमांडू के उदाहरण देखेबे, विकास भेले ते ठाउ के उदाहरण देखेबे आ ते पर हमरा जनता विश्वास करते से एजेंडा सब लोग हम केहन एजेंडा उठ लेने छ। सबसे पहिने तो अयका कृषि के जे अवस्था देखबे तो अपना सबके एकदम दयनीय अवस्था है कृषि में। आय काठमांडू के जनता या तराई के जनता कोरिया कृषि क्षेत्र में रोजगार करे के लागी जाए है कि वही काठमांडू के जनता, वही पहाड़ के जनता और ये तराई में कृषि के लागी जॉब के लागी अप्लाई करके नहीं आ सके, वो अवस्था कहिया सिरजना है कि ये खेती योग्य जमीन नहीं है। और यह कृषि के जे समस्या है, कृषि में जे बजट छुटिया छुटियाल जाक चाहिए, वो बजट छुटिया नहीं रहा है।
कृषि के सामग्री जे है जे सहज रूप में उपलब्ध नहीं भ सकल है, कृषि के सामग्री जे कुछ परसेंट उपलब्धो होय है उ सब की करे है पार्टी के कार्यकर्ता सब अपना हिसाब से अपना घर में अपन पार्टी कार्यकर्ता के अपन झोले के बांट फाँट कर रहल है आ लुट्टी उठा रहल है। और एक जे वास्तविक किसान है जे मेहनत कर रहल है ओकरा घर में कृषि औजार सब नहीं जा रहल है। तो हमर विचार की है कि अयका कृषि क्षेत्र के सुधार क अयका कृषि में जे समस्या है से नीतिगत नीति बनाकर सांसद के काम है नीति बनौना आ नीति एहन हो चाहिए कि एक रत्ती वही में टस मस भेले तो ओकरा सीधे कार्रवाई हो चाहिए ओहन हिसाब के नीति बनाकर अयका कृषक सबके मल बीउ खाद आ कृषि सामग्री उपलब्ध क अयका कृषि में जे जनता जे लागल है ओकरा इहे जे रोजगार हम रोजगार कर रहल छी से महसूस होय से नीति आबक चाही। दोसर बात शिक्षा के अवस्था जे देखबे अखन अपना सबके देश में आ तराई के बात करब हम विशेष क अय तराई में अखन 80% से बेसी बाल बच्चा गरीब के होय या धनी के होय उ बोर्डिंग स्कूल में अभी पढ़ रहल है। कि एकटा चीज अहाँ कहू बोर्डिंग स्कूल में से नहीं निमन टीचर सरकारी स्कूल में रहे है उ तो और योग्य टीचर लोकसभा पास कर टीचर आयल रहे सरकारी स्कूल में तैयो पर भी वही सरकारी स्कूल पर विश्वास नहीं भ रहा है। इ घूमबे वाला के इ घूमबे वाला इ अयका जे जनप्रतिनिधि सब जे अखन हमरा जे प्रतिस्पर्धा में उठल है हमरा जे प्रतिस्पर्धा कर रहा है चुनाव में से सब घूमबे वाला कैले ओकरा सबके दोष दिलिए हम तो उ सब प्रतिनिधि सभा में 10 वर्ष आ 15 वर्ष से उ राज कर रहा है। कहियो एक दिन के लगी प्रतिनिधि सभा में उ सब आवाज उठौलकै कि हमरा क्षेत्र के बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े ला बाध्य भेल है हमरा स्कूल के बच्चा महगी तीर के प्राइवेट स्कूल में पढ़े ला अखन बाध्य होय है सरकारी स्कूल के जे गुणस्तरीय शिक्षा है उ दिन प्रतिदिन घटल जाए से एक दिन कहियो अहाँ सुनलिएगा ओकरा सबके आवाज उठबे ओहि शिक्षा पर नीति निर्माण करे अखन देश में 2028 साल के नीति चल रहा है शिक्षा के नीति कि ई दलाल सब जैसे जीत कर जाए है एकरा सबके काम कथी है वही जाकर सेल्फी खींचना है वही जाकर मौज मस्ती केना है वही जाकर दलाली केना है मंत्रालय में जाकर परसेंटेज पर काम केना है कि ओकरा सबके काम है शिक्षा में सुधार के लागी कोन नीति लब पड़ते शिक्षा में सरकारी शिक्षा में सुधार के लागी की सब अपनब पड़ते उ प्रतिनिधि सभा में आवाज उठक चाहिए कि नहीं उठक चाहिए उ आवाज प्रतिनिधि सभा में उठब पड़ते आ अयका शिक्षा नीति के परिमार्जन क एक सीप मूलक शिक्षा जे एक लेवल पढ़ कर जेना 12 क्लास बैचलर पढ़ कर उ बच्चा सब अपने से रोजगार नहीं मिलले तो अपने खुट्टा पर ठाड़ भ कर उ सब एक व्यापार कर सके ओहन शिक्षा के निर्माण अगर उच्च शिक्षा नीति हेतु तो नेता और के बच्चा बुच्ची के सो सरकारी स्कूल में पढ़ाव पड़ते अहू जो बात करे कल अहू जितला के बाद में जेबे तो अपन बच्चा और अखंत और जते तथे तो सरकारी स्कूल में लिखेबे ना। हम सबसे पहले ई अहाँ से प्रतिबद्धता करे ला चाहे छी कि हमर बच्चा हमरे बनाओल निक शिक्षा सरकारी शिक्षा ले में पढ़ते सरकारी विद्यालय में पढ़ते। हम अपन विचार कथी राखे छे अयका सांसद अयका मंत्री अयका प्रधानमंत्री के बेटा जेहन स्कूल में पढ़ रहा है अयका गरीब के बच्चा भी ओहने शिक्षा पढ़क चाहिए ओहने शिक्षा मिलक चाहिए जका गरीब के बच्चा के भी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होक चाहिए। शिक्षा के बात भेल स्वास्थ्य के बात हम करे ला चाहब अयका अभी जे आँख पसारि कर जे देखबे तो ये 5 टा मंत्री अखन चुनाव लड़ल हमरा जे प्रदेश आ प्रतिनिधि में 5 टा मंत्री लाज लगत अहाँ के लाज लगत सुनबे तो लाज लगत अय क्षेत्र के अवस्था जे देखबे तो लाज लगत आई वही मंत्री के कार्यकर्ता यदि जे सुखीपुर में एक्सीडेंट भ जाओ तो एक अस्पताल नहीं ओकरा बचबे के लागे ओकरा जिंदा बना सके ओय के लागे एक अस्पताल नहीं बनौने 5 टा मंत्री सब आई 0 माइल में अहाँ के एक्सीडेंट भ जाए आ गहरो जो चोट लग जाए अहाँ के जीव में तो अहाँ के अ क्षेत्र में उपचार के लागे अस्पताल नहीं भेटत अहाँ के ओरही में जो अहाँ के एक्सीडेंट भ जाए बैरेट पट्टी में जो एक्सीडेंट भ जाए तो अहाँ के उपचार करे के लागे अस्पताल नहीं भेटत कि ये सब लज्जास्पद विषय है कि नहीं है। जैया से 5-5 टा मंत्री प्रतिस्पर्धा करते वही स्वास्थ्य के अवस्था वही शिक्षा के अवस्था अयका कृषि के अवस्था अयका गरीबी ये लज्जास्पद के विषय है कि नहीं है। एक नेता कनिके दिन पहले भाषण करे छाल आब अय क्षेत्र के सपना पूरा हेते आब अय क्षेत्र जे देखने समृद्ध के सपना उ पूरा हेते आब अयका शिक्षा के सुधार हेते हम ओकरा ओय नेता के कहेला चाहबे
अहाँ दू दू बेर तीन तीन बेर अपना क्षेत्र में से जीतली, जाकर देखियो ओहि क्षेत्र के हालत की, ओहि का जनता के सपना पूरा के लिए, ओहि का शिक्षा में सुधार के लिए, ओहि का स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ओहि का बाटो घाटो में सुधार के लिए बेसी दूर नहीं है, कमे दूर है, जाकर देखाओ, रिपोर्टिंग कर लियो पहले। क्षेत्र में बेसी बिगड़ल है, हाँ, क्षेत्र के जनता के भेरा समझे, बुझे है कतौ से आब के हम ये हाथ मार ली, वही से लखेटल अखन जनता नेता में कथी भ रहा है, चितवन से लखेटत ओत जात, पहाड़ में जात, जैसे से सब गोरखा जात, आ नेता सब के जैसे हमारे कार्यकर्ता सब उदंड मता रहा है, वही से हम चुनाव जीतब तैय जा रहा है कि अका दू नंबर क्षेत्र के जनता बोलहा है, बोलहा समझे जका युवा के कि अ शिक्षित व्यक्ति नहीं है कि टूरिस्ट सबके वोट देते है, अ मास्टर डिग्री पढ़ला वा युवा नहीं है, अ नेता नहीं है, संविधान में छे ने प्रतिनिधि सभा में लड़क के लेल अय देश के कोनो भी नागरिक कतौ से लड़ सके चुनाव, अहाँ रोके वाला के छी? हम रोके वाला कोई नहीं छी, उ नेता की कर रहल है से पहले बुझा पड़ते, अय क्षेत्र के समृद्ध करेला जे एले भाषण में कहने है हम दू नंबर क्षेत्र के समृद्ध करबे, हम दू नंबर क्षेत्र के जनता जे सपना देखने है उ सपना पूरा करबे, तो ओकरा से तो ई प्रश्न कह सके छी ने यो कि अहाँ दू बेर चार नंबर क्षेत्र से जीतलिए, दू बेर अहाँ तीन नंबर क्षेत्र से या कोनो क्षेत्र से जीतलिए, तो वही एका जनता के सपना पूरा भेले कि नहीं, वही एका जनता समृद्ध भेले कि नहीं, आ दोसर चीज एकटा की कहने रहे कि अहाँ एकटा कटाक्ष रहे मारबे कि ने अहाँ सुसरा के भेली ने अहाँ नेहरा के भेली, ओकरा की अहाँ कटाक्ष मारबे कि अनहरी दुसल ढिठरी के से पढ़ के ला करे छी, अहाँ अहाँ तो पूरा मधेसे के न रहली, अहाँ तो पूरा मधेसे के मुद्दा बेच कर चल गेली केकरो शरण में, कौन लाज से अहाँ नेहरा में के नहीं रही या सुसरा के में नहीं रही, कौन लाज से अहाँ बजि रहा छी जे अहाँ पूरा मधेसे के मुद्दा बेच कर एकटा काल जे कार्यकर्ता से अहाँ मधेसी सबके रोड पर उतारि के गोली खियोलिए, जे मधेसी सबके अहाँ रोड पर उतारि के अहाँ कहलिए कि पुतला जला ओकरा गारि पर आ ओकरा शरण में जे गेलिए कि लाज शरम राजनीति में है कि नहीं, नैतिकता कहल चीज राजनीति में है कि नहीं, आ यहाँ बड़का बड़का कुर्ता लगा के अभी भाषण करे ला, अच्छा टूरिस्ट वाला एक बात हमारा बीच में रोके ला चाहे छी, टूरिस्ट वाला उम्मीदवार और के अहाँ के प्रतिस्पर्धा में? देखियो हम कोनो भी उम्मीदवार के हम नाम लग विरोध नहीं करे ला चाहब, कैला तो अपने कहलिए कि उम्मीदवार कतौ से कोई लड़ सकैए, लेकिन कतौ से जे कोई लड़ सकैए तो जैसे अहाँ जीतल अधिकार, तो जैसे अहाँ पहले चुनाव जीत के गेलिए वही क्षेत्र के अहाँ की काम के लिए, अगर वही क्षेत्र में जो काम अहाँ केने रहतिए तो वही एक जनता तो अहाँ के तरहत्थी में रखे, वही एक जनता तो अहाँ के अगाड़ी पछाड़ी जीत करे कि हो तू हमारा क्षेत्र के बना देने छ, तू कैला भागल जाए दोसर क्षेत्र में, तू हमरा ई समृद्ध बना दिल, हमर शिक्षा में सुधार कर दिल, हमर बाटो घाटो में सुधार कर दिल, तो तोरा अय से अधिकार बने है चुनाव लड़ के, संविधान में कुछ लिखल रहो, संविधान में तो लिख देने है फ्री में शिक्षा मिलते, बोलो फ्री में स्वास्थ्य मिलते, कतौ उपचार करबे ला जेबे देखा दू तो हमरा, एकटा गरीब के उपचार भ जाए छटपटा के मर जेबे उपचार नहीं हैत, विकास के वही वर्ल्ड में कोनो एहन वर्ड नहीं हेतै कि उ सब अपना घोषणा पत्र में नहीं लिखे देते, आ उ घोषणा पत्र कहिया से लिख रहा है से हम कह दे 2040 साल से पहले से उ घोषणा पत्र लिख रहा है, आ विकास वाला कोनो एहन वर्ड नहीं हैत कि उ सब अपना घोषणा पत्र में छोड़े, लेकिन 2056 साल आ 2048 साल के घोषणा पत्र पलटा के जेना के अनुवारी में से निकाल के देखबे तो विकास के बयो नहीं उ सब के, शिक्षा के सयो नहीं केने, स्वास्थ्य के में सुधार 1% नहीं केने, जे पहले के अवस्था छे अखनो वह अवस्था है, ऐसे बढ़िया गुणस्तर शिक्षा 10 साल पहले छे जे हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े छे, इस सब दिन प्रतिदिन शिक्षा में बजट घटाओ आ शिक्षा के गुणस्तर कम कर रहा है, अहाँ के मालूम है अहाँ नैतिकता पूर्वक बाजब कि अयका शिक्षा सब अयका स्कूल सब जे 10 साल पहले स्टडी होइ छलै, जे 10 साल पहले बच्चा सब पढ़े छलै से शिक्षा है अखन कोनो भी हालत में नहीं भेटत, अखन हम बहुत स्कूल में प्रयास कर लेलिए कतौ नहि है, अयका शिक्षा सबके स्तर दिन प्रतिदिन ध्वस्त पारने जाए, तो अहाँ बने को डायरेक्टे अखन चुनाव अलै उम्मीदवारी द दिले एक समाज में आवे पड़े अपन सामाजिक काम कर पड़े ते बाद उम्मीदवारी देती तो और जनता चिंती है, डायरेक्टे दल उम्मीदवारी दिले तो जनता अहाँ के
कोना के मत देते फेन से आप चला जाए कि एक समाज में सेवा करा पर जे आवाज आज चुनाव में मुद्दा हाँ बने नहीं से वो पहले से मुद्दा बने थे तो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघ सरकार के एक राउ के सुनती आहा के आवाज सुनला के बाद कुछ सुधार हेतु सबसे पहले तो हम आहा के ई चीज जानकारी करब चाहब कि आहा शायद हमरा सोशल मीडिया में नहीं जुड़ल छी। 5 साल पहले से हम सड़क संघर्ष करत आबि रहल छी, सड़क संघर्ष करै छी। सड़क संघर्ष कथी ला करै छी कि तू नालायक सब सांसद भवन के जे काम है, सांसद जनप्रतिनिधि के जे काम है, सदन में जे काम हो चाहिए वो काम ये सब नहीं करे जाकर। हम सब सड़क पर से संघर्ष करके की कहलिए उखू किसान के तू समय में पैसा दे, बड़ दुख कर उ सब खेती किसानी करे है। वही से हम आंदोलन के लिए काठमांडू से कुलमान घी सिंह अहाँ के था है जे देश के उज्यालो बनौल के ओकरा पोस्ट पर से हटौल के सब हम सब पुनः नियुक्ति के लागी 1 हफ्ता से बेसी आंदोलन के लिए हमरा सब को झूठ झूठ के मुद्दा चलौने है। अखन निर्मला पंत के न्याय के लागी जे बलात्कार का जे ओकर हत्या भेले वही के लागी हम सब 1 महीना कंटिन्यू अपन सर में कफन बांध के रोड पर उतरल रही, सरकार के गोली के नोक खाए ले तैयार रही। हम सब सड़क पर से ओकर न्याय के लागी आवाज उठौलिए। MCC के बात करबे ते 1 महीना हम सब कहलिए कि तू संसद भवन में बैठ कर जैसे राष्ट्रघात नहीं कर, जनता के आवाज संसद भवन में उठक चाहिए, जनता के बात कर, राष्ट्रघाती समझौता सब नहीं कर। वही के लागी हम आवाज उठौलिए अका जे न्याय नहीं पोल्हा व्यक्ति सब है वही न्याय के लागी हम सड़क पर से संघर्ष के लिए हमरा बुझाए 15 बेर से बेसी हमरा हाथ में हथकड़ी ले गया है। अगर जे रिकॉर्ड जे पलटेबे तो 15 बेर से बेसी सब हमरा हाथ में कड़ी लगा कर हमर आवाज और पर दमन कल के हमर खुट्टा भाचल के हमर टाँको फड़ल के हमरा जेल सब में बंद कल के तो हम निर्णय की के लिए ठीक है तू आई हमरा दमन कर सके छा, आई हमरा हाथ में हथकड़ी लगा सके छा, आई तू हमरा जेल में बंद कर सके छा, लेकिन चुनाव में तोरो जनता के अदालत में जा पड़तो, हमरो जनता के अदालत में जा पड़ते। आप न्याय के फैसला मंगसिर 4 गते हेतु चुनाव में हेतु हमू अखन जनता के अदालत में आयल छे। आई भ्रष्टाचारी दलाल दमनकारी सब भी अभी चुनावी मैदान में जनता जरे न्याय मांगी ला जनता के समक्ष आले। आब है मंगसिर 4 गते फैसला के अवस्था आ हम विश्वस्त छी जते ई सब हमरा पर दमन कल के वही के न्याय जनता पर। और अपने कहने हमरा अति मंत्री और क्षेत्र में उम्मीदवारी देने छे और बड़का बड़का मंत्री से पूर्व शिक्षा मंत्री से अहाँ के प्रतिद्वंदी में ते बाद में पूर्व संचार मंत्री और से संगठन हिसाब से मजबूत छे अहाँ संगठन हिसाब से कमजोर छे मुदा से टकरेबे कोना। सबसे पहले मजबूत आ कमजोर के जे बात कहलिए तो मजबूत कमजोर संगठन हिसाब से नहीं हेतु, मजबूत आ कमजोर काम हिसाब से होक चाहिए, मजबूत आ कमजोर एजेंडा हिसाब से होक चाहिए, मजबूत आ कमजोर विजन हिसाब से होक चाहिए। हम ओकरा सबके अहाँ के मीडिया से चुनौती देना चाहिए तोहर एजेंडा तोहर विजन तू जनता लग कथी लग जा रहल छी कत हमरा जरे बहस करते उसब हमरा जरे बहस 0 माइल चौक पकड़ते तब सुखीपुर चौक पकड़ते तब धनगरी चौक पकड़ते तब या बॉर्डर साइड में कोनो चौराहा पकड़ते तब हम चैलेंज दे छे यदि हमर विजन आ हमर एजेंडा हमरा जरे बहस क वही का जनता जे कह देते नहीं तू ओकरा सब लो अयोग्य छा तू तोहर विजन ओकरा सब से बनिया नहीं हो ई उम्मीदवार सब बनिया है हम अपन उम्मीदवारी वही फिता लेबे ओकरा सब के कहबे अहाँ सब काम करू जनता। सबसे पहले उ सब मीडिया में अबे ला नहीं चाहे, सबसे पहले जनता समक्ष जाय लेने चाहे, घर घर से जनता आखे हिम्मत है तो कहियो 2 आदमी से चुनाव में वोट मांगे ला जाए नहीं लाठी लक खर्रा बरनी लक मार के भगोल के जनता तो अहाँ कह कि जनता के साथ मजाक करते सब जनता के साथ ही सब खिलवाड़ करते जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जका कृषि के साथ खिलवाड़ करते अका कृषक के अहाँ के मत लक जाकर 1 दिन कृषि के लागे जो सांसद भवन में आवाज नहीं उठौते एक सबके नैतिकता कत चल गए कि अहाँ सुनलिए कहियो कृषि के लागे सांसद भवन में सिरा के जनप्रतिनिधि आवाज उठौने 1 दिन सुनली कहियो आ सुनली तो कहो
एक दिन में आवाज उठाने है या कि संसद के काम है अपन क्षेत्र के मुद्दा सब उठाकर उठा नीति निर्माण के आरोप लगे कि मीडिया में आवे ला नहीं चाहे। ऐसे पहले ऋषि धनराज जी एक कार्यक्रम चलेने चले उड़ी में तेमें अपनो छे आ प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार और छे तो आयल छे सबसे पहले आयल छे लेकिन वही ओकरा सबके नाटक देख लिए अपने जे नाटक वही और ही अस्पताल में केल ऋषि धनराज रे विगत 50 साल से वह नाटक सांसद भवन में कर रहा है। यानी कि सांसद भवन में किसान के बात हुआ चाहिए, गरीब के बात हुआ चाहिए, शिक्षा के बात हुआ चाहिए, स्वास्थ्य के बात हुआ चाहिए, तो वही की करे ये सब ओकरा उगार पढ़ला ओकरा उगार पढ़ला वही पार्टी के उगार पढ़ला आ दिन कटला अपन तलब भत्ता गाड़ी आयस मौज के लिए सरकारी पैसा के जे किसान करती रहते पैसा के जे मजदूर करती रहते पैसा के जे अका व्यापारी सब करती रहे वही पैसा के आयस मौज करे है गाड़ी चढ़े है करोड़ों के आ वही की करे है जनता के बात नहीं करे वो ये पार्टी के बात करे वो ये व्यक्ति के बात करे वो ये भ्रष्टाचारी के बात करे वो ये राष्ट्रघाती के बात करे बड़का बड़का व्यापार सब में कमीशन खाए है से बात भ रहा है। तो वही ऋषि धमला के कार्यक्रम में एजेंडा पर एकटा बात निभाल है वह जो जनता छुटिया देते कि केकर एजेंडा मजबूत आ केकर एजेंडा बलदियो केकर विजन बढ़िया केकर विजन खराब उ सब खाली कथी कहत बाबा के कोदारि के हाथ बड़ हल्लुक होए ने से चीज कह रहा है हमर पार्टी ई अधिकार के लागी लड़ल हमर पार्टी ई अधिकार के लागी लड़ल आई अधिकार के लड़ाई नहीं खोज रहा है जनता विकास के लड़ाई हुआ चाहिए ज समृद्धि के लड़ाई हुआ चाहिए ये शिक्षा के लड़ाई हुआ चाहिए स्वास्थ्य के लड़ाई हुआ चाहिए वो एजेंडा सब कोई सब बात नहीं करे ला चाह दिन तो अपने बहुत निक बात रखने चलिए है और ही में संसद के आवाज और के आवाज संसद में उठल चाहिए ये उठ रहा है केहन केहन आवाज जनता के देने और चीज है रोजगार के बात से है ना अहाँ के एजेंडा में कि नहीं है रोजगार के बात से जेने सड़क के बात से जे ऐसे पहनो हरेक चुनाव में हम जब रिपोर्टिंग करे गाँव घर में तो हमरा कहते रहे बउआ कटनिया के पुल के जते नेता जितल सब अपन अपन कहे चले कटनिया के पुल बनेबे जे एक देश के कुछ अर्थतंत्र के मजबूत कर सके जे कि आखिर नाका से जोड़ल से है ना ओनाते ओनाते हिसाब से हमरा लग बात आबे और एजेंडा और अहाँ के की छे कटनिया के बात कहलिए तो हम एक भाषण में रहिए कहने कि विगत ओकरा सबके एजेंडा जे देखिए ना तो पुल सब के बात लिखल रहे तो वह एजेंडा सब पर हम छलफल के लिए एक भाषण में रहिए केने अका दू नंबर क्षेत्र के 0 माइल आ बारियर पट्टी के सड़क के उन्नति हुआ चाहिए व्यापारिक सड़क में घोषणा हुआ चाहिए आ वही का जे अहाँ के जे भंसार है वही के स्तर उन्नति भ कर व्यापार वृद्धि हुआ चाहिए से चीज हम भाषण में रहिए के आ उ चीज आई कॉपी कर के सब अपना एजेंडा में रखने आइए नहीं ओकरा सब कहली ने 2048 साल से वो अपना घोषणा पत्र में ये एजेंडा सब रखने है लेकिन काम नहीं कर सकल काम नहीं करती सब लिखत मात्र कह दिली ने वर्ल्ड के कोनो एहन विकास के शब्द नहीं हेतु एजेंडा में लिखल हेतु दोसर बात कहलिए अहाँ बेरोजगार के बात कहलिए युवा के बात कहलिए तो सबसे पहले हम कथी कह चाहब कि सब एहन देश में नीति लोल के एहन देश में युवा के लागी नीति बना दिल के कि आज युवा सब अपने आप में बिकाय ले बाध्य भ गए सब 80 लाख युवा के विदेश में जाकर बेच दिल के आय यदि वो 80 लाख युवा आई देश में रह जना आय हम देश में एक युवा छे तो एक सबके टोंको दुखाए के जो खेल बन गया छे हम चुनाव में आ यदि जो वो 80 लाख युवा जो देश में रह कि एक सबके चुनाव लड़े के अवस्था रहते पेना लगने देश असारि के जैसे भगा देते ना एक जनप्रतिनिधि के तो अहाँ हमरा कहती अय युवा सबके विदेश पठा कर आ अय से हम चुनाव जीत सके छी ते लागि ये सब युवा सबके प्लान कर रहा है देश में कि एक चीज कहूँ तो कृषि क्षेत्र है अपना सबके दू नंबर क्षेत्र अय एक जनकपुर में जो चुरोट कारखाना जो छाल गई चुरोट कारखाना के कैला बंद कलक कि अका किसान समृद्ध भ जेते किसान केना समृद्ध हेतु तो चुरोट फैक्ट्री में लाखों किसान अपन खेत में खैनी उपजा कर नगदे वाली के रूप में बेचे चले गए
आई वही चुरोट फैक्ट्री के बंद कक सब अपन दलाल के घर ही बैठा लेने हुए जरा अपना सब सांसद भवन कहे प्रदेश सभा कहे कि एक सबके नैतिकता कत चल गए गरीब के पेट पर लात मार के दलाली करे सब बैठ गए आई 1,00,000 किसान एक तराई के किसान अपन खैनी बेच कर समृद्ध भ गया रहते एत साल में 2,000 युवा वो रोजगार करते जे अखन विदेश में आज पबनी के दिन में कन रहा हेतु युवा सब छाती फटत हेतु जका जे कल्चर देखत हेतु तो। कि वहन चुरोट कारखाना ये मधेश में जे 4-5 जे भजाओ तो अका किसान सबके कि विदेश जा पड़त अका युवा के विदेश जा पड़त ये बेरोजगारी रह पड़त केकरो में जाकर हाथ पैर जोड़ पड़त तो एक सब क्या दिन सांसद भवन में सदन में चुरोट फैक्ट्री पुनः स्थापना होक चाहिए अका किसान सब में रोजगार पाबक चाहिए अका किसान सब खैनी उपजा के वही बेचक चाहिए आ किसान सब समृद्ध होक चाहिए से क्या दिन सब आवाज उठे क्या दिन सब फैक्ट्री के लागे स्थापना होक चाहिए वह चुरोट कारखाना एक और सिरहा में होक चाहिए एक चुरोट कारखाना और लाहन में होक चाहिए या गोल बाजार में होक चाहिए एक और जूट मिल विराटनगर से एनहरो होक चाहिए कि या विराटनगर साइड के जूट सब उत्पादन कर का किसान हो या जूट मिल में बेचती है आ किसान समृद्ध होते से क्या दिन सांसद भवन में उठो के से आवाज सब सांसद भवन में क्या उठे वास्तव में तो सांसद भवन किसान के युवा देते तो यह आवाज उठते 100% हम पहले कहलिए अहाँ के आवाज हम सड़क पर से उठबे छलिए ग सड़क पर से हमारे आवाज में दमन कलक सड़क पर से हमारे आवाज के दमन कलक हमारा हाथ में हथकड़ी लगोल के आब हम संसद में भवन में जाकर ये आवाज सब उठेबे कृषि मंत्री के अगाड़ी में कहबे तू समय में किसान के मल खाद दही आ किसान के मल खाद नहीं देबी तो तू राजीनामा दही तू नलायक छा किसान के मंत्री नहीं छा तू नलायक भक सांसद भवन में मुंह चोरा कर नहीं बैठ कृषि मंत्री के जे काम है से काम कर किसान के समय में मल खाद दियू आ किसान के लागी जे किसान उत्पादन करे है वो फैक्ट्री के स्थापना कर उकर जे अन्न है वो किने के सरकार के नीति बना तब तो एक किसान समृद्ध हेतु एक चीज और कहला चाहे जी अखन देश में आर्थिक संकट के ओर जा रहा है कोरोना के लगे कुछ दिन अपना और के रेमिटांस बहुते कम है नहीं बुझाया कि विदेश के रोजगारी में नहीं जती तो देश और धरातल में चल जती है विदेश के रोजगारी में जो नहीं जेते तो ये आर्थिक क्रांति होते केना कह दे आर्थिक क्रांति से हम पहले कह दिली अहाँ अका युवा सब नलायक चुनाव नहीं जितेबते योग्य व्यक्ति के चुनाव जितेबते युवा के चुनाव जितेबते विजन वाला के चुनाव जितेबते आ काम सब जो कहली वही काम सब के स्थापना होती फैक्ट्री स्थापना होती वही में युवा सब रोजगार पबते अका उत्पादन सब विदेश में सेलिंग होते वही से डॉलर भित्री होते देश में आर्थिक क्रांति होते अका युवा सब देश के विकास कर देखा देते एक सबके मनसाई की है जब तक युवा के हम बेचत रह तब तक हम ये चुनाव जीतते रह आई हम जाकर विदेश में जो रहती है कमाए तो कि सब अहाँ के आवाज नहीं उठते नहीं उठती है सांसद भवन में एक सबके टाँको दुखा के खेल हम बनती है यह आई देखियो ये दुई जना के टाँको दुखा के हमारा कते आदमी लग बजल बजल कि कहियो ढौआ के बात कल हमारा लग सबके कहियो पुगा देवे समाचार अहाँ सुना देवे यहाँ वीडियो शेयर कर कते ढौआ लेते हम भीख मांग के जनता से दिला तैयार छे कते ढौआ लेते सब हम कह हमरा ल ऑफर हमरा ल कते ढौआ लेते से नहीं आबि रहल है लेकिन सब अफवाह के रूप में जनता के अन्योल में पारे ला सब एहन किस्म के अफवाह फैला रहा है कि एक हम मिला लेबे एक हम ई कह देवे एक हम ई कह देवे से कह के अफवाह फैला रहा है जे हमरा प्रतिस्पर्धा में अभी उतरल है से सब अका जे सांसद सब है ओकरा सबके कहियो पटक पटक तू सब मंत्री भेली सामान हम सब विदा कर देवे माला लगा देवे अका जनता से हम जय जयकार करा देवे कते पैसा लेते से अका हम भीख मांग के अका जनता से हम उठा कर देवे कहियो सामान घर बैठे ला अका समृद्ध करे के अका रोजगार दे के अका आवाज सांसद भवन में पुगे के जिम्मा हम लेबे कहियो एकरा सबके जाओ समाचार पुगा देवे कते रुपया लेते सब जते भ्रष्टाचार सब 5 साल में करते सांसद भवन में जाकर ओते हम से चंदा लगा के युवा सबसे दे देवे
उम्मीदवारों खरीद बिक्री हो जेन ऑफर एक खरीद भी कोई से हमरा प्रतिस्पर्धा में तत से ऑफर आवे और उम्मीदवार ऑफर जाए हेतु जाए है बहुत ला जाए है लेकिन जे उम्मीदवार देश के माया के लागी देश के समृद्ध के लागी संकल्प लेने है संकल्पित भले कि नई जो हमरा सबके युवा पुस्ता है तक के सुधार हुआ चाहिए अयक शिक्षा में समृद्ध हुआ चाहिए अयक कृषि सब समृद्ध भैया दुख तकलीफ जो है से समाधान हुआ चाहिए उस सब कहियो में अलझेल में नहीं पड़ सके क्या हम एक संकल्पित छी आय अहाँके जानकारी करे ला चाहब हमर घर के अवस्था अहाँके था है दसो कट्ठा खेत नहीं है हमरा दसो कट्ठा खेत नहीं है हमरा आय हम एक गरीब के बेटा है दलाल सबसे पूंजीवाद सबसे टक्कर लड़ रहा छी हमर विचार संसद भवन में गरीबों के बेटा पुगक चाहिए संसद भवन में गरीबों के आवाज उठक चाहिए संसद भवन में किसानों के आवाज उठक चाहिए तैले हम है अपन उम्मीदवारी देने छी खर्च कता से आनबे त हम खर्च नहीं करब चुनाव में जेना अखन हमरा विभिन्न ठाव से युवा सब हमरा जेना डोनेशन द डोनेशन में डोनेशन हमरा एक रुपया नहीं आएगा अखन तक युवा सब कथी कहे हम अपन वार्ड के प्रचार के जिम्मेवारी हम ही ले जेना जे शिक्षित युवा है जे बुझे वाला युवा है जेना 12 नंबर वार्ड के धनगढ़ी 12 नंबर वार्ड के प्रचार प्रसार के जिम्मा ले लेलके उसब तहिना हरेक ठाव से युवा सब हमरा सब के प्रचार प्रसार के जिम्मा ले हमरा सब के मासु बाट के नहीं है हमरा सब के दारू बाट के नहीं है हमरा सब के पैसा बाट के नहीं है आय सब ये भ्रष्टाचारी कर के गरीब के खून चूस के भ्रष्टाचारी के नहीं है एकटा वार्ड में 20-20 लाख रुपया छुटी अबे कार्यकर्ता के दिए अगर 20 लाख रुपया एक नेता के खर्च होए तो भ्रष्टाचारी क्या नहीं करते हाँ सही बात कहली गो भ्रष्टाचारी क जमा के नहीं है भ्रष्टाचारी क सब रखने है तई पर आय 20-20 लाख रुपया जनता और बड़का भ्रष्टाचार होले ने जे मत अपन जे मतदान से जे एक देश के परिवर्तन कर सके ओकरा दारू और पैसा में बेचे से तू भ्रष्टाचार किया नहीं करते सबसे पहले तो जनता जे कहलिए भ्रष्टाचारी जनता भ्रष्टाचार नहीं है जनता बेबस है अगर अहाँ के खाई ला जे नहीं पुगत भूखले जे रहबे आ कोई भ्रष्टाचार वाला पैसा दिला हो कि अहाँ भूखे मर जेबे कि खेबे जनता सब बाध्य भ गेल है स्कूल में फी नहीं तिर सके उपचार नहीं करवा सके रोजी रोटी नहीं कर सके जनता के चुनाव में जने बात कर लेगा भूख लगल रहते अहूँ के कहूँ भूख लग जाए है ना जनता के हम लोग के विश्वास से अहाँ बने के युवा के नेतृत्व अहाँ के भूख लगते तो अहूँ बिक सके तो सबसे पहले तो अहाँ के ई बुझ पड़त कि हम एक सक्षम युवा छे हमरा भूख कथी के लगल है समृद्ध के भूख लगल है हमरा विकास के भूख लगल है हमरा अयका रोजगार के भूख लगल है अयका किसान सबके जो समस्या है वही के भूख लगल है अहाँ के यो चीज कह पड़ते ना जनता के जे बने को तू मत किया बेचबी हम सब बहुत जगह ओहन कैंपिंग सब कर रहल छी अइ बेर के चुनाव पृथक चुनाव हेतै अइ बेर के चुनाव फरक चुनाव हेतै पटक पटक ई सब जनता के भेरा समझल के पटक पटक जनता के ई सब बोलाहा समझल के आब उ जनता सब जागरूक भ गेलै आब उ जनता सब नेता के अनुहार टिलिक क भ क देख लेलै कनिके दिन पहिले आके 10 दिन पहिले जेकर पुतला दहबै छलै ग जरा दिन रात गारि पढ़वे कार्यकर्ता के लगभग छे तेरा जरा साँट घाट कल कि जनता के विश्वास करे के आधार रह गए एक टा नहीं कोई विश्वास करते परिवर्तन खोज रहे जनता परिवर्तन के पक्ष में मतदान करते एक गठबंधन के बात आन देवे तो गठबंधन के प्रश्न हम करे ला चाहे अहाँ के कि गठबंधन अखन देश में भर जे कतौ कम्युनिस्ट कतौ बाम जने मधेशवादी जरा विरोध करे जे ओकर विपक्ष में छे और माओवादी के जे ककरो टाको के मूल्य टोकने छे ओकरा के अखनका गठबंधन के बारे में अहाँ की कहला चाहे छी सबसे पहले तो ई गठबंधन नहीं है जे अभी प्रचार प्रसार के भाषा में ठकबंधन कहे लोग सब हम सब सुनली गाँव में गेली तब घर दैलो में गेली तो सुनली ठकबंधन ठकबंधन है चाहे कत देश के हित के लागे कहियो गठबंधन गेलके सब किसान के मल बीउ खाद समय में जाए चाहते के लागे गठबंधन गेलकै शिक्षा में सुधार हुआ चाहते के लागे कोनो रूम में बैठकर गठबंधन गेलकै स्वास्थ्य में निःशुल्क हुआ चाहिए एक गरीब सब स्वास्थ्य के सुविधा पवक चाहिए एक वार्ड वार्ड में एक्सरे के मशीन हुआ चाहिए एक वार्ड में ब्लड चेकअप के मशीन हुआ चाहिए ते के लागे दलाल सब गठबंधन गेलकै कहियो एक जगह बैठकर छलफल गेलकै
देश समृद्ध हुआ चाहे आर्थिक संकट में जा रहा देश वही के लागू सब कहो चिंतन कल मनन कल गठबंधन कल गठबंधन में वास्तव में जनता अभी संबोधन करे ठगबंधन वह ठगबंधन। और अपन गाँव के बहुत व्यस्त है क्योंकि चुनावी माहौल है। और अंतिम एक प्रश्न पूछे जे सरकार के विषय बन रहा है यहाँ पर जे लौरो चुनाव चिन्ह है ये लौरो चुनाव चिन्ह एक पार्टीगत से स्पष्टीकरण के रूप में पत्र पठेने चले और बहुत कोई अहिं के साथी भाई और हमरो मन में उपजित रहे कि चुनाव चिन्ह तो लड़ सकें मुदा पार्टी के उम्मीदवार है कि सबसे पहले तो हम कह हम व्यक्ति स्वतंत्र छी चुनाव चिन्ह हमर पार्टी के है कैला तो सब ठकबंधन कह सकें तो देश समृद्धि के लागी देश विकास के लागी हम बालेन के चुनाव चिन्ह कैला नहीं लड़ सकते लौरो चुनाव चिन्ह कैला नहीं लड़ सकते बालेन तो स्वतंत्र रूपे हमहू स्वतंत्र रूपे हम चुनाव चिन्ह लेने मात्रे पार्टी के हम चुनाव चिन्ह लेने हम व्यक्ति स्वतंत्र छी हम स्वतंत्र भ के जिंदगी भर काम करबे कन्फ्यूजन सब कोई दूर कर चल जकरा से चुनाव चिन्ह लेने से अहाँ के दबाव द सके नहीं द सके हमरा सब के बीच में सहमति भले सहमति पत्र हमरा ल आयल है उ सहमति पत्र हम अहाँ के देखा स्पष्ट लिखल है कोनो किसिम के हुइप न लागने गरी हमी चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग करना को लगी सहमति पत्र अमूल्य समय दिल के अपने के बहुत बहुत धन्यवाद हस अहू के धन्यवाद मधेस स्पेशल संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोकन आजुक युवा अपना के सिरा क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि छे उनका से चुनावी चर्चा पर बात कलो और राष्ट्रीय मुद्दा पर से बहुत ही विस्तृत रूपेन अपना के बात और विचार उनका रखलक और अपने सबसे मधेस स्पेशल यूट्यूब चैनल से और www.madhesspecial.com ऑनलाइन और मधेस स्पेशल पत्रिका के माया ममता करवे करवे। और दोस्तों चीज एक चीज कि हमारे एक नया में एक जय पार्टी के जय नेता के जय गांव घर के बात और बड़का बड़का मीडिया ओते समय नहीं दे तो हमरा और जाके एक छोट चैनल बना के एहन एहन बात राखे हमारे सीखे के क्रम है तै दुआरे अमे कमी कमजोरी की भले तो कमेंट करबे कमेंट करला के बाद में तब हमरा और के सुधार हेते आ कमेंट नहीं करबे तो सुधार कोना हेते कमेंट तो करबे करबे और लाइक सब्सक्राइब करबे तो क्या हेते जते वीडियो बनेबे सब्सक्राइब करबे तो अहाँ लग पहुँचते त्या दुआरे अत माया ममता कर देवे अतमी करे आजू कार्यक्रम एत अंत करे नमस्कार धन्यवाद।